वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जना हमारी कोशिश होती है कि रोज़ कोई ना कोई ऐसा इशू हाईलाइट किया जाए जिसकी ज़रूरत है और जो सोसाइटी में एक बुरा इम्पैक्ट भी डाल रहा है और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हम उसकी डिस्कस करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेड्स के हवाले से। आप घरों पर जो अपने काम करने के लिए अफराद रखते हैं, बच्चे रखते हैं, उनका एक ओवरऑल डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से भी आज हम इसका एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो लॉज क्या कहते हैं और साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट क्या आता है, क्योंकि अक्सर माएँ जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो अपने बच्चों को बिल्कुल डिपेंडेंट करके चली जाती हैं उन पर, और उससे किस तरह के इम्पैक्ट आते हैं उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर, ओवरऑल क्या सिनेरियो रहता है, उस पर डिस्कशन के लिए आज हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी खतीजा जुल्फ़िकार हैं जो कि लॉयर हैं, हमें जो उसके जो कह लें लॉस के अंडर उसमें जो जो चीज़ें फॉलो करती हैं उसको बताएंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ हनिया बिलाल मौजूद होंगी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो हनिया आपके जाने आएंगे, क्योंकि समटाइम्स हम देखते हैं, जैसे भी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, कि हमारे यहाँ ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि आपने घर पर काम करने के लोग भी रखने हैं, मेज भी रखनी है, जिनसे आप बिल्कुल डिपेंडेंट है पूरी फैमिली उनके ऊपर, इवन बच्चे भी। बच्चों पे इसका बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। स्पेशली हम देखते हैं जो मदर्स हैं वो मटर्निटी लीव्स के बाद 4 to 6 weeks के बाद चली जाती हैं वापस काम करने के लिए। टू सम एक्सटेंट उनके करियर्स भी हैं, लेकिन साइकोलॉजी पे इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। जॉन बाउल बाय हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर अटैचमेंट थ्योरी पे काम किया है, उनके अकॉर्डिंग 1st 2 years जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो प्राइमरी जो केयर गिवर होती है वो मदर होती है। उन्होंने सारे काम करने काम इफेक्शन सारा कुछ जो है वो बच्चा जो है एक एक्सप्लोर कर रहा है दुनिया को, वो सब कुछ वो अपनी माँ के थ्रू करना चाह रहा है। तो मदर उस टाइम पे मदर अफेक्शन मदर अटैचमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि वो ये भी कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स बच्चों में आगे जाकर देखी जाती हैं वो शुरू हो जाती हैं अर्ली चाइल्डहुड से। सही। जब आपका प्राइमरी केयर गिवर आपके पास नहीं है, आपकी प्राइमरी नीड्स जो इनबॉर्न नीड्स हैं वो आपकी फुलफिल नहीं हो सकती, तो वो फिर आगे बच्चों में प्रॉब्लम आती है। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे ज़िद्दी क्यों हैं, हमारे बच्चे जो है वो पिकी ईटर्स क्यों हैं। अब ऑब्वियसली जब माएँ उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं होंगी, तो वो फिर उनके आगे बिहेवियर्स वो रिफ्लेक्ट करेंगे, सोशल लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी, उनके इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम आएगी, बिहेवियरल इश्यूज इसी तरह से फिर डेवलप होते हैं। ठीक है। अच्छा अनिया, समटाइम्स हमने ये भी देखा है कि घर में छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए हमने छोटी मेज रखी हुई है या बच्चा या बच्ची रखे हुए, तो वो जो आपस में एक कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं कि आपका बच्चा भी उसको देख रहा है या वो आपके बच्चे को देखकर कुछ इस तरह से रिएक्शन आता है, तो वो भी चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाती हैं। आई थिंक बच्चे इमिटेट बहुत जल्दी करते हैं। अब अगर फर्ज करें, अब मैं भी आई हैव अ 16 months old, मैं उसको कभी भी एक 12 साल की मेड के पास नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उस टाइम जो वो सीखना चाह रहा है वो मैं ही उसको सबसे अच्छा सिखा सकती हूँ। बजाय कि बच्चे मेड से सीखे, उन्होंने भी एक्सप्लोर करने जो क्वेश्चन आंसर्स माएँ सही जवाब दे सकती हैं बता वो सकती तो नहीं वो मेड्स नहीं दे सकती। डेफिनेटली। अच्छा खतीजा, आपकी जानिब आएंगे, इसमें दो एस्पेक्ट्स हमने जैसे किया, एक तो वायलेंस का एस्पेक्ट दिया, दूसरा एक हमारे यहाँ नॉर्मली जो ट्रेंड है कि चाइल्ड लेबर और छोटे बच्चों को रखने का कॉन्सेप्ट, कि जितना छोटा बच्चा होगा चलो 24 आवर्स हमारे पास वो रहेगा और सारी चीज़ें, तो इस लॉज क्या कहते हैं इसके? सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँ कि हमारे यहाँ पे इट्स अ सर्वे के 1/4 हर घर में एक छोटी मेड होती है। एग्जैक्टली। आप शॉपिंग्स के लिए जाएंगे आप क्या देखेंगे कि हर एक जो फैमिली है प्रॉम है तो वो एक मेड घसीट रही होगी। ठीक है, आप बैठ के खाना खाने लगेंगे, आप एज अ गेस्ट जाएंगे तो आपके पास एक छोटी बच्ची आएगी जो आपको ड्रिंक सर्व करेगी। सबसे पहले तो हमारे 1/4 एवरी घर में पाकिस्तान में मेजरली जो हमारी मेन सिटीज़ है लाहौर कराची हो गया, यहाँ पे तो आपको मेड में बच्चियाँ ही मिलती हैं। देन व्हेन वी कम अबाउट द लॉज, तो सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है वो सबसे पहले बात करता है कि योर स्टेट विल प्रोटेक्ट योर लाइफ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन कौन सी एक्सप्लॉयटेशन? हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन है। सही। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 11, उसके अंदर जो उसका सेक्शन 3 है वो बात करता है कि एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर एवरीवन, बट देयर इज एन एज लिमिट, 5 साल से बच्चे से लेकर 16 साल की उम्र के बच्चे तक। पर जब हम ये देखते हैं 5 से 16 साल की उम्र, तो यही वो एज है क्या कि ये एज क्या है? ये आपकी चाइल्ड की एज बता रहे हैं। फिर हमें डिफरेंट कन्वेंशंस मिलती है जो हमें एज बताती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं 12 साल का जो बच्चा है वो 18 साल का,
अब इसके अंदर एक डिफरेंस है एक चाइल्ड वर्क में और एक चाइल्ड लेबर में। अच्छा, जो बच्चा जिसकी एडोल्सन या चाइल्ड हुड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा वो काम कर सकता, दैट इज चाइल्ड वर्क। वो 16 साल से 18 साल का बच्चा काम करता है, उसके ऊपर हमें मजीद फिर आगे लॉज मिलते हैं कि वो कौन से लॉज उन पर कैसे, जैसे हमारे पास जो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट है, उसमें बात करते हैं वो लोग 16 साल से 18 साल का बच्चा काम तो कर सकते पर उसमें रिस्ट्रिक्शन है, वो एक दिन में कितने आवर्स काम करेगा और उसको एक दिन पूरा छुट्टी मिलनी है। फिर इसी तरह हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 है, वो बात करता है उन औरतों की और बच्चों की जो के काम कर रहे हैं उनके ऊपर उतना बोझ डाला जाए जो उनकी एज के हिसाब से वो बर्दाश्त कर सकते हैं या उनकी सेक्स के हिसाब से वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं और हमारे पास आपको पता है यूनिसेफ है जो कि बहुत अरसे से हमारे पास पाकिस्तान में काम कर रहा है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए और चाइल्ड लेबर के लिए। पर द थिंग इज हमारे पास उसके अलावा पंजाब में चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन लेबर लॉज मौजूद है जिसमें ये है कि बच्चा जो है एडोल्सेंट तक जो है वो काम जो है नहीं कर सकता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे। ठीक है, अच्छा अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें खदीजा तो उस पर क्या लॉस है? डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर तो पहली बात तो ये कि आप किसी को इस डोमेस्टिक वायलेंस में आप देखेंगे कि किसी को डिटेन करना ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है, जैसे बच्चे आपके घर में काम कर रहे हैं आप उनको माँ बाप से मिलने नहीं देते, आप उन्हें रोक लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सीआरपीसी में सेक्शन है 491, वो हैबियस कॉर्पस को डील करता है कि आप किसी को हस्बे बेजा में किसी को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, उसके लिए फिर आपको रिट फाइल करनी पड़ती है और इस पे तो आपको रिसेंटली लास्ट एक बहुत फेमस केस भी मिलता है एक एंकर पर। अच्छा, वो एंकर वरीदा फारूकी जी, वो केस भी आपको मिलता है, उन्होंने एक बच्ची को डिटेन किया हुआ। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर पीनल आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फिर इसी तरह जिन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है, पहली बात तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि वो कैसे एम्प्लॉय कर रहे हैं कि छोटे एज के बच्चे को। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जिस तरह एक साल की पनिशमेंट है, 6 महीने की आपको सजा हो सकती है। इस बारे में मजीद भी आपसे बात करेंगे हम, दोबारा से आपके जानिब आए। आप जैसे अब जिसमें उसमें रखा जाए, मतलब बच्चों को अगर जबरदस्ती उनके वालिदैन से ना मिलने दिया जाए और साथ में जो डिफरेंट तरह की एक कहले के घर पे एक रिस्ट्रिक्शन भी है, ना वो सही तरह से खेल सकता है, बस उसे काम करना है, बच्चा या बच्ची है, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ और जिस तरह से उन पे ये फ्रस्ट्रेशन होगी तो डेफिनेटली वो आपके बच्चे पे या किसी और तरीके से उसको कहीं ना कहीं तो निकालेगा। जेलिसी बच्चों में आ जाती है। ठीक है, अब वो अगर देखते हैं कि बहुत सी दफ़ा हम केसेस सुनते हैं कि हम देख नहीं रहे थे बच्चे को, पीछे से उन्होंने हमारा बच्चे का खाना खा लिया। ये चीज़ बहुत, अब ऑब्वियसली जब आप बच्चे को उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हो, आपने एक छोटे बच्चे को अपने पास रखा हुआ है तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ें करेगा जो आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब आप एकदम से पकड़ लेते उसको करते हुए तो आप फटाफट जाकर उनको डांटना शुरू कर देते हो। अभी पिछले दिनों हमने एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी, वो जो एक चाय की पत्ती किसी ने बहुत ज्यादा बच्ची ने यूज कर ली थी तो उसको लिटरली मारा जा रहा था। अब आई डोंट नो वो पाकिस्तान की थी कहाँ की थी, लेकिन वो बहुत वायरल हुई है। तो ये जब वो चीजें देखते हैं, अब जब माएँ चली जाती हैं उनके बच्चों को छोड़ के, तो ऑब्वियसली अब उस बच्चे पे जो मेड हाउस हेल्प है उस पर भी साइकोलॉजिकल इसका बहुत डीप इफेक्ट है, और जो बच्चा उसके पास वो छोड़ के जा रही है उस पर भी वो सारा वो जो है वो निकाल रही है अपनी बढ़ास जो आप कह रहे वो उस पर निकाल रही। क्या पता वो उसको मार रही हो, माँ का कोई चेक इन बैलेंस नहीं है, हमें नहीं पता वो उसको किस तरह से ट्रीट कर रही है, गेट अगेन मदर्स का कोई चेक इन बैलेंस है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट 2 ईयर्स टिल 5 ईयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स जो माएँ अपने बच्चों को उस टाइम पर दें, क्योंकि वो टाइम जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो वो ना टाइम दोबारा आ सकते हैं, और जो उस टाइम फाउंडेशन पीरियड में आप जो बच्चे की अपब्रिंगिंग कर सकते हो वो आप आगे नहीं कर सकते। सही। अच्छा हनिया, हमारे यहाँ नॉर्मली जैसे हम बात करें घरेलू मुलाजमीन पे तशद्दुद का मामला हो या वैसे भी कोई अलग से एक डिफरेंट हम सिनेरियो देखते हैं जैसे मिलने नहीं दे रहे, जैसे अभी खदीजा भी हमें बता रही थी, तो इससे जो जेलिसी का फैक्टर तो है, लेकिन अगर एक बच्चा आपके घर पर रह रहा है आप उसको वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे जो आप अपने बच्चे को दे रहे हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी तो रह जाती है। और नॉर्मली हम मार्केट शॉपिंग मॉल्स में जाएँ तो हम देखते हैं कोई आप अपने बच्चे को पास बिठा के खाना खिला रहे हैं जबकि आपकी मेड वो बच्चा संभाल रही है, उसकी चीज़ें इकट्ठी कर रही है, तो ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है। अब साइकोलॉजिकल तो हेल्थ शायद हमारे भी उस तरह से ख़राब है कि हम इस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन डेफिनेटली हर एक के ऊपर एक ना एक तो कोई तो इम्पैक्ट आता है। तो इस तमाम सिनेरियो को हम किस तरह से केटर कर सकते हैं, कोई टिप्स या कोई ऐसी चीज़ जो हम एज ए सोसाइटी अपने अंदर चेंज ला सकें? मुझे जहाँ तक ये लगता है, पहली बात तो हमने करना है कि हमने अपने छोटे बच्चे को अपने घर रखना ही। लेकिन हनिया नॉर्मली यही कॉन्सेप्ट है कि जितना छोटा बच्चा होगा वो उतना है, क्योंकि उसको जो काम कहेंगे वो कर देगा, और हर घर में
हर पांच में से दो घरों में तो ये एक बच्चा, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग ही ये चीज खत्म कर सकते हैं अगर हम ही इस चीज को खत्म करें. अब जैसे आई हैव टू किड्स, आई हैव नो हाउस हेल्प फॉर देम, मेरे पास हाउस हेल्प है बाकी काम करने के लिए, मगर उनके लिए नहीं मैंने रखी हुई हेल्प. क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं एक छोटी बच्ची को लेकर आऊँ जो वो चीज देख रही है उसके अंदर की चीज आएगी कि काश मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए ये करते, काश मेरे पास भी ये चीज होती, तो वो उसके अंदर ऑलरेडी ये एक चीज आएगी. फिर ऑब्वियसली बच्चे का दिल करेगा कि मैं अपने माँ बाप से मिलने जाऊँ, वो लोग नहीं मिलने जाने देते हमें, होता अच्छा अभी तो ये आई है, अभी ये एडजस्ट हुआ है, फिर हम इसको पेरेंट्स के पास भेज दें, फिर वापस नहीं ये आएगी. तो यहाँ से फिर प्रॉब्लम आ रही है हमारे अंदर, हमें इतने छोटे बच्चे को, क्योंकि जो ये जो क्लास है ये तो भेजेगी ही भेजेगी अपने बच्चों को रखवाने के लिए, इस बात से कि उन्होंने करना ही करना है, अर्न कराना है. एग्जैक्टली, वो उनको है कि हम इनको भेजेंगे ताकि एक घर में एक पे आया करे, लेकिन ये हम पे है कि हम ना रखें. बिकॉज अगर हम रख भी रहते और हम जितना इक्वालिटी की तरफ आए, कहीं ना कहीं हम वो लैक कर जाएं. कर जाते हैं डेफिनेटली. आप अपने किसी बहन भाइयों के बच्चों में फर्क कर जाते हैं तो ये तो फिर आपकी एक मेड है. खदीजा, चाइल्ड लेबर के हवाले से भी तो आएगा ये जिम्मे में, तो पेरेंट्स जो लोग काम करने भेजते हैं, जो काम करने रखते हैं, दोनों इसमें आएंगे ना? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि इसका ना कितना इफेक्ट होता है. हम लोग मेजरली ये देखते हैं कि हमें एक हाउस हेल्प मिल गया, हमें ये नहीं पता एज अ नेशन हम लोग कितना पीछे जा रहे हैं. पहली बात तो इससे क्या, हमारा जो लिटरेसी रेट है वो डाउन होगा. अब एक बच्चा जो 16 साल की उम्र में जिसने मैट्रिक करना है, पढ़ना, वो काम कर रहा है, ठीक है, उससे फिर हमारी इकोनॉमिक्स हमारी कंट्री की डाउन हो रही है, और उसके अलावा हमारा लिटरेसी रेट डाउन हो रहा है, उसके बाद उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें आप देखोगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं. फिर फैमिलीज के अंदर आपस में कन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो आप अपनी फैमिलीज पे ध्यान ही नहीं देते हो. When we talk about the child labor, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे पास जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, उन सब ने अपने अंदर एक एज डिफाइन की हुई है कि कितने साल के बच्चे को उन्होंने एज रखना है. क्योंकि आप देखोगे हमारे यहाँ पे जो ईंटों की भट्टियाँ, उसमें बच्चे और औरतें ही काम कर रहे होते हैं मजीद. अगर आप देखो तो गौर करो, उन्होंने उधर फैक्ट्रीज एक्ट है, और ये बेसिकली फैक्ट्रीज एडवर्टाइजिंग टू किल्स है, जहाँ पर ये भट्टियाँ बनती हैं, तो वहाँ पर भी एज को बड़ा इन्होंने फोकस रखा हुआ है कि उतना काम ना कराया जाए. जैसे अब एक फीमेल है, जैसे वो इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी ऑन मैटरनिटी लीव, तो उसके ऊपर क्या होगा, कितना उससे काम कराया जाएगा, उसके वर्किंग आवर्स कितने हैं. पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, पाकिस्तान में वर्किंग आवर्स को लेके कोई भी डिफाइन नहीं है. आपका लॉ कहता है कि जी आपने 6 घंटे काम करवाना, पर होता नहीं है, और हमारे यहाँ पे ब्रेक्स नहीं देते हैं. वेयर आई हैव सीन बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में क्या है, वहाँ पे अगर आपकी 6 घंटे की ड्यूटी है तो आपको उसमें हाफ एन आवर की पेड लीव मिलती है. सही. अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो आपको 1 घंटे की पेड लीव मिलती है, पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है. हमारे यहाँ तो हमने तो बस कॉन्सेप्ट क्या, ब्रेक का कॉन्सेप्ट नहीं है. बच्चों से काम कराना चाहिए, बुरा नहीं है. अब चाइल्ड लेबर में और चाइल्ड वर्क में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. अगर अच्छा आप 16 साल के बच्चे से काम करा, तो जैसे बाहर प्लेसमेंट्स होते हैं, बच्चों को काम पे भेजा जाता, सो दैट दे शुड बेसिकली अंडरस्टैंड द थिंग कि वो अपने घर वालों को सपोर्ट करें, बर्डन नहीं बने. हमारे यहाँ पे तो हमारे बच्चे तो एजुकेशन के बाद भी यहाँ पे बर्डन ही रहते हैं, उनकी शादियों तक जी वो माँ बाप ही उन्हें पालते हैं. तो पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि चाइल्ड वर्क और चाइल्ड लेबर में क्या डिफरेंस है, ठीक है. अब चाइल्ड लेबर वो है कि जहाँ पे आप किसी बच्चे पे, जिसमें उसका इंडोलसेंस और उसका चाइल्डहुड और उसकी एजुकेशन और जहाँ पे उसकी आप ये कहो मेंटल हेल्थ के अलावा उसकी दूसरी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वो चाइल्ड लेबर में फॉल करेगा. चाइल्ड वर्क जो है वो और सिनेरियो में फॉल करता है. उसमें क्या क्या, आप बेसिकली यू आर एजुकेटिंग योर चिल्ड्रन हाउ टू बी, ही कैन बी सपोर्टिव टू योर हाउसेस एंड टू योर सोसाइटी. अब सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि हमारी यहाँ पे स्टेट का रोल क्या, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारी स्टेट का काम है, ठीक है. वो हम फेल हो जाते हैं, हम लोग उतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं. बेसिक एजुकेशन के बाद हमारा जो बेसिक शेल्टर फूड वगैरह वो नीड्स भी हमारी स्टेट का काम है प्रोवाइड करना. अब हम किसी के हाथों एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और हम अपने बच्चे को कहाँ पे भेज रहे हैं, तो दिस इज द फेलियर एट द एंड ऑफ द डे ऑन द मशीनरी ऑफ अवर गवर्नमेंट. वो क्या कर रहे हैं, अभी आप काम पे आ रहे हो, आप रूटीन में देखोगे बाहर सुबह स्टॉप पे इतने ज्यादा बच्चे मांगने के लिए खड़े हुए. उन्होंने बच्चों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग कर दी हुई कि वो इतना सा बच्चा है, हाँ. वो आपके आगे हाथ फैला रहा है. वो सिंपैथी फैक्टर में आप बच्चा देखे तो वैसे ही बेकार, ये तो कुछ भी नहीं. एक साल का बच्चा, उसको ये भी नहीं पता उसकी माँ बस ऐसे हाथ करके मांग रही है, तो वो भी आगे से वैसे ही कर रहा है. अब एक साल के बच्चे को आप सिखाओगे तो नहीं ना, बस अपनी माँ को देख रहा है, वो भी वही कर ही जा रहा है. तो ये चीजें क्या है, हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है. कोई भी आता सर्वे करता, ओवरऑल स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए सारी चीज नेगेटिविटी में जाती है. थैंक यू वेरी मच हनिया, थैंक यू सो मच खतीजा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जनाब.
आज का मैसेज यही था कि हम डिस्करेज नहीं करें, ऑब्वियसली एक वर्किंग वुमेन को ज़रूरत होती है या आमतौर पर आपको हाउस हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन अपने बच्चों की देखभाल आपने खुद करनी है और जो अगर आपने रखे भी हुए हैं उनकी भी देखभाल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे, हमारे पास और भी मेहमान हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे, आप देखते रहेंगे।